Yes, student, this is the last video of chapter 3 of science, which is adaptations in animals. हमने अपने previous videos में animals के 5 major groups के बारे में जाना था, जो कि था terrestrial animals, aquatic animals, amphibians, arboreal and aerial animals. अब हम जानेंगे adaptation for food. इससे पहले हमने जाना था animals अपने environment के according कैसे adaptation करते हैं, मतलब कैसे adjustment करते हैं अपने environment में. अब अडेप्टेशन फॉर फूड के बारे में जानेंगे. डिफरेंट एनिमल्स जो हैं वो डिफरेंट तरह का फूड खाते हैं, और इसीलिए उनकी फूड जो वो खाते हैं उसके लिए उनकी बॉडीज में कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं सर्टेन, जिसकी हेल्प से वो अपने काइंड ऑफ फूड खा पाते हैं. जैसे उनके माउथ हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ हैं उनके, और उनके क्लॉज यानी पंजे हैं. तो इसमें सबसे पहले आते हैं हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स कौन होते हैं स्टूडेंट्स? हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं दैट ईट ओनली प्लांट्स, वो एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं. उनके जो फ्रंट टीथ होते हैं, आगे के टीथ, वो बहुत ही शार्प होते हैं, यानी बहुत ही नुकीले होते हैं, जिसकी वजह से वो ग्रास को इजीली कट कर पाते हैं. और उनके जो पीछे के बैक साइड के जो टीथ होते हैं, जिन्हें हम ग्राइंडिंग टीथ भी कहते हैं, वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं. ठीक है, इसमें जो बेसिकली एनिमल्स आते हैं वो हैं काओ, हॉर्सेस, डियर, रैबिट्स. काओ यानी गाय, हॉर्स यानी आपके घोड़ा, हिरन एंड खरगोश. इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको हॉर्स के टीथ भी दिखाए हुए हैं, कितने शार्प हैं इसके फ्रंट टीथ जो हैं. सेकंड वन इज़ कार्निवोर. कार्निवोर एनिमल्स आर दोज ऑन एनिमल्स दैट ईट फ्लैश, यानी वो दूसरे एनिमल्स का मांस खाते हैं. ये जो एनिमल्स होते हैं इनके टीथ जो हैं वो काफ़ी शार्प होते हैं, और उनके जो क्लॉज होते हैं यानी इनके जो पंजे होते हैं वो भी काफ़ी नुकीले होते हैं, जो इनकी जो इनका फ्लैश यानी मांस होता है, जिसको ये जिस भी एनिमल को ये हंट करते हैं, यानी अपने जिस शिकार को ये शिकार करते हैं, जिस भी शिकार का, उसके जो बॉडी या स्किन होती है उसको फाड़ने में, टियर करने में इनके पंजे और इनके दांत जो हैं वो हेल्प करते हैं. इसके साथ साथ एनिमल्स के साथ साथ कुछ ऐसे बर्ड्स भी हैं जो कार्निवोर हैं, जैसे कि आपके उसमें आते हैं ईगल एंड हाउ. ये भी फ्लैश खाते हैं यानी मांस खाते हैं दूसरे एनिमल्स का. ये अपने शार्प क्लॉज को और अपने टीथ्स को यूज़ करते हैं अपने प्रे को होल्ड करने के लिए और उसको टियर यानी फाड़ने के लिए. इसके साथ साथ इन बर्ड्स में क्या होता है, हुक्ड बीक होते हैं. हुक्ड मतलब आगे की तरफ झुकी हुई. देखिए यहाँ पिक्चर में दिखाई हुई है ईगल की बीक कैसे है, आगे की तरफ झुकी हुई. इसी की हेल्प से वो अपने जो प्रे यानी जो शिकार होता है उसको ईजिली टियर कर पाता है. यहाँ पर देखिए लायन के टीथ देख रहे हैं आप कितने शार्प हैं. सिमिलरली लायन के क्लॉज देखिए कितने नुकीले हैं. ये यहाँ पर ईगल की बीक दिखाई हुई है और उसके क्लॉज दिखाए हुए हैं. ठीक है, इसमें बेसिकली कौन कौन से एनिमल्स आते हैं? वुल्फ्स, टाइगर्स, लायंस, ईगल्स एंड फाल्कन्स, दीज आर कार्निवोर्स एनिमल्स. इसके बाद आते हैं हमारे थर्ड टाइप ऑफ एनिमल्स विच आर ओमनीवोर्स. ओमनीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं दैट ईट बोथ प्लांट एंड अदर एनिमल्स एज वेल, मतलब ये प्लांट्स भी खाते हैं उसके साथ साथ दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं. इनके भी इनके पास दोनों तरह के टीथ होते हैं, मतलब इनके फ्रंट टीथ जो होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं, जो उनके शिकार को टियर करने में हेल्प करते हैं. उसके साथ साथ उनके जो बैक साइड के टीथ होते हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं? फर्स्ट वन इज़ डॉग, बियर्स यानी भालू, स्पैरो एंड क्रो यानी कौआ. ये सारे ओमनीवोर्स हैं. इसके बाद आते हैं हमारे पैरासाइट्स. पैरासाइट्स को हिंदी में परजीवी भी कहते हैं, मतलब ये पैरासाइट्स होते हैं, ये दूसरे इंसान कह दो आप या दूसरे एनिमल्स को अपना फूड बनाते हैं. ठीक है, द ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, ये दूसरे इंसानों या यू कैन से दूसरे एनिमल्स की बॉडी के ऊपर या उसके अंदर रहते हैं. ठीक है, इन्हें पैरासाइट्स कहा जाता है. इसमें कौन कौन से आते हैं? टिक्स, फ्लीज, लेचस, लीचस यानी कि जोक बोलते हैं जो चिपक जाता है. देन बैड बग्स, बैड बग की देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिखाई हुई है. लाइस, लाइस यानी जू, आपने देखा होगा कई लोगों के सिरों में जो जू होती है, ये क्या करते हैं धीरे धीरे ना उस इंसान का या उस जानवर का खून चूसते रहते हैं. और यहाँ पर देखिए एक और के एग्जांपल आपको दिया हुआ है, दैट इज टेप वॉर्म. टेप वॉर्म जो है वो ऐसा पैरासाइट है जो अपना फूड जो होता है वो अपने होस्ट से कलेक्ट करता है, मतलब होस्ट वो होता है जिसके ऊपर या जिसके अंदर ये लोग ये पैरासाइट्स रहते हैं. ठीक है, वो इनका होस्ट कहलाता है, या कह सकते हैं आप जिसको ये अपना फूड बना रहे हैं वो इनका होस्ट कहलाता है. ठीक है, टेपवर्म जो है वो ऐसा पैरासाइट है जो किसी अपनी होस्ट की बॉडी के अंदर भी रह सकता है. ठीक है, जिससे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर भी, उनका होस्ट ज़रूरी नहीं है कोई एनिमल ही बने, यानी वो किसी एनिमल के ऊपर ही चिपके, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है.
वो अपने वो किसी ह्यूमन बींग को भी अपना शिकार बना लेते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ डॉग को या पिग्स, आपने देखा होगा पिग्स के ऊपर भी कई बार लाइस और ये लीचर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। और ये अपने होस्ट यानी जिस शिकार के ऊपर ये होते हैं उसको काफ़ी हार्म पहुंचाते हैं उसकी बॉडी को, क्योंकि धीरे धीरे उसका सारा खून चूस जाते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे स्केवेंजर्स। स्केवेंजर्स वो एनिमल्स होते हैं बेसिकली जो डेड एनिमल्स खाते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और ध्यान रखने वाली बात है कि स्केवेंजर्स और कार्निवोर में क्या डिफरेंस होता है। कार्निवोर्स जो होते हैं वो जनरली अपने शिकार को हंट यानी उसका पहले शिकार करते हैं तब वो उसे मार के खाते हैं। स्केवेंजर्स जो होता है वो जनरली मरे हुए यानी डेड बॉडीज़ को खाते हैं। वो एनिमल या तो नेचुरली मरा हुआ हो या फिर किसी और एनिमल ने उसे मारा हो और उसकी बॉडी वहाँ बच जाए, जो थोड़ा बहुत वो छोड़ गया है, तो वो स्केवेंजर्स खा लेते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? वल्चर्स आते हैं आपके, हॉक्स आते हैं और हाइनेस आते हैं, ये स्केवेंजर्स हैं। स्केवेंजर्स की जो सेंस ऑफ स्मेल होती है यानी सूंघने की शक्ति जो होती है वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है, यानी बहुत तेज़ होती है और उनकी आईसाइट भी बहुत तेज़ होती है, इसीलिए वो दूर से ही अपने उस फूड को पहचान लेते हैं, यू कैन से स्मेल कर लेते हैं। और जो हाइनेस होता है इसकी जो जॉज होते हैं यानी ये जो जबड़ा होता है ये बहुत ही स्ट्रांग होता है कि इसकी हेल्प से ये बोन्स यानी हड्डियों को भी क्रश कर पाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको वल्चर की पिक्चर भी दिखाई हुई है। इसके बाद आता है हमारा अडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन। अभी हमने जाना था कि एनिमल्स एडजस्टमेंट कैसे करते हैं अपने फूड्स के लिए, यानी उनकी बॉडी में क्या क्या ऐसे पार्ट्स बने हुए हैं जिसकी वजह से वो अपने फूड को इजीली खा पाते हैं। अब हम जानेंगे अडेप्टेशन वो अपने प्रोटेक्शन के लिए कैसे करते हैं, मतलब एनिमल्स अपने आप को बचाते कैसे हैं। देखिए कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि बफेलो यानी भैंस, फिश एंड बर्ड्स हैं बहुत सारी, और एलिफेंट्स भी, ये ग्रुप्स में रहते हैं यानी ये एक साथ मिलजुल के रहते हैं ताकि कोई और एनिमल उनको हार्म ना कर पाए या उनको शिकार ना बना ले अपना। और ये अपने जो यंग वंस होते हैं मतलब जो छोटे छोटे इनके बेबीज़ होते हैं उनको सर्कल के अंदर रखते हैं, उनके आसपास एक घेरा बना लेते हैं और उनको बीच में रखते हैं उनको बचाने के लिए। इसके बाद कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि डियर और कैंगरूज, इनके जो लेग्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं जिसकी वजह से ये बहुत तेज़ फास्ट यानी दे रन वेरी फास्ट एंड एज वेल दे होप वेरी फास्ट, मतलब ये कूद लेते हैं, छलांग जो लगाते हैं ये बहुत ही लंबी छलांग लगाते हैं और बहुत ही तेज भागते हैं और इस वजह से ये अपने एनिमीज से बच जाते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ एनिमल्स हैं जैसे राइनोसेरस और बफेलोस, इनके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग हॉर्न्स होते हैं, हॉर्न मतलब सींग होते हैं जो उनकी डिफेंस यानी अपने आप को बचाने में हेल्प करते हैं अदर एनिमल से। इसके बाद टर्टाइज और स्नेल, ये दोनों ऐसे हैं जिनके पास एक स्ट्रॉन्ग शेल होता है, शेल मतलब आप देख रहे हैं ऊपर का इनका ये शेल, ये कवच की तरह काम करता है, जब भी कोई एनिमल इनको हार्म करने के लिए आता है तो ये इसके अंदर घुस जाते हैं और अपने आप को बचा लेते हैं। इसके बाद एक पॉक्यूपाइन जो होता है उसके ऊपर शार्प स्पाइंस होते हैं, मतलब उसके ऊपर ना एक तरह से स्पाइंस मीन्स होते हैं कांटे, तो ये एक ऐसा एनिमल है जिसके ऊपर कांटे होते हैं, तो जब भी कोई एनिमल उसको अटैक करने आता है तो वो ऑटोमेटिकली उसके कांटों से घायल हो जाता है, इसलिए एनिमल्स उसको अटैक नहीं करते, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद आता है आपके कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी कवरिंग जो होती है ना वो उनके एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग ही होती है, जैसे कि कमेलियन, आपने देखा होगा गिरगिट क्या करता है, जब भी उसको लगता है कि कहीं खतरा है तो वो अपना रंग बदल देता है, ठीक है। तो सम एनिमल्स हैव बॉडी कवरिंग दैट मेक देम लुक सिमिलर टू और मर्ज विद देयर सराउंडिंग, मतलब ये वो एनिमल्स होते हैं जो अपने आप को खतरा आने पर या खतरा महसूस करने पर अपने सराउंडिंग जहाँ वो रह रहे हैं उसमें चेंज कर लेते हैं या ब्लेंड हो जाते हैं या उसमें मिल जाते हैं जिससे उनका कोई भी शिकार नहीं कर पाता, ठीक है। ऐसे एनिमल्स को कैमोफ्लेक बोलते हैं, ठीक है। इनकी बॉडीज़ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ये पहचाने नहीं जा पाते, जैसे कि देखिए कौन कौन से आते हैं इसमें। फर्स्ट वन है लीफ फ्रॉग, ये लीफ फ्रॉग जो होता है ये ग्रीन कलर का ही होता है और इसकी शेप भी लीफ जैसी होती है, यू कैन से, तो इसीलिए इसको ईजीली पहचान पाना अगर ये पेड़ों के बीच में है तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। सिमिलरली एक स्टिक इंसेक्ट है, देखिए स्टिक इंसेक्ट है बिल्कुल स्टिक की जैसे ही लग रहा है, तो ये भी ईजीली बच जाता है इसके प्रीडेटर से। उसके बाद ज़ेब्रास जो है उनका जो ग्रुप होता है वो दूर से अगर हम देखें तो वो ज़िगज़ैग लाइनें लगती हैं वाइट और ब्लैक कलर की। सिमिलरली पोलर बियर जो हैं वो वाइट कलर के होते हैं और जहाँ वो रहते हैं आइस वो उसका कलर भी वाइट होता है, तो इसीलिए उन्हें वहाँ पर पहचान पाना मुश्किल हो जाता है और कोई भी एनिमल उनका शिकार इजीली नहीं कर पाता। सिमिलरली कमेलियन जिसके बारे में मैंने आपको भी बताया वो अपना कलर चेंज कर लेता है अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग ताकि वो दूसरे एनिमल से बचा सके खुद को। एक
और एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है कटल फिश। कटल फिश क्या होती है, इसके ऊपर एक इंक होती है और जब भी ये सेंस कर लेती है कि कोई शिकार है या यू कैन से कोई खतरा है, जब उसको महसूस होता है तो ये क्या करती है, उस इंक को वाटर में फैला देती है और उसकी वजह से वाटर के कलर में इसको पहचानना मुश्किल हो जाता है। और तब इतने में इसको शिकार करने के लिए जो एनिमल या जो यू कैन से कोई भी एक्वेटिक एनिमल जो आ रहा है वो आता है, उससे पहले ये भाग जाती है, स्विम कर जाती है और बहुत दूर निकल जाती है। सिमिलरली पफर फिश है, देखिए ये पफर फिश की पिक्चर दी हुई है, ये देख रहे हैं आप इसके ऊपर कितने सारे स्पाइंस लगे हुए हैं। ये क्या करती है, जब भी ये डेंजर महसूस करती है ना अपने आसपास, ये अपने साइज को इंक्रीज कर लेती है, मतलब इसका साइज डबल हो जाता है इसकी बॉडी से तरह। यू कैन से इसे बैलून फिश भी कहा जाता है इसीलिए, क्योंकि फूल जाती है, ठीक है, और इसीलिए सर एक स्फेरिकल बॉल की तरह लगती है, तो इसकी वजह से इसके प्रीडेटर्स इसको हंट नहीं कर पाते। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स अडेप्टेशन इन बिहेवियर। अब हम जानेंगे कुछ एनिमल्स जो हैं वो अपने बिहेवियर यानी अपने प्लेसेस में भी चेंज कर लेते हैं जब उनको नीड होती है। देखिए क्योंकि हमारे जो एनिमल्स हैं उनको विंटर्स में जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है सर्वाइव करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ फूड भी हो जाती है, इसीलिए कुछ एनिमल्स और यू कैन से कुछ बर्ड्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर लेते हैं फॉर मोर फूड और यू कैन से इन सर्च ऑफ फूड। सो व्हेन द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर फीडिंग और ब्रीडिंग और यू कैन से इन सर्च ऑफ फूड इज़ कॉल्ड माइग्रेशन। जब एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह खाने की तलाश में जाते हैं उसे हम माइग्रेशन कहते हैं। इसमें एग्जांपल दिए हुए हैं आपको, पहला एग्जांपल है साइबेरियन क्रेन का। ये साइबेरियन क्रेन्स क्या होती हैं, ये साइबेरिया से इंडिया आती हैं हर साल फूड की तलाश में, और वहाँ क्योंकि उस टाइम पे विंटर्स में सर्दियाँ होती हैं तो वहाँ से ये विंटर्स के टाइम में यहाँ आ जाती हैं और यहाँ अपना फूड प्रोवाइड करती हैं अपने आप को। सिमिलरली आर्कटिक टर्न्स हैं, ये 80 किलोमीटर ट्रैवल करके आती हैं कहाँ, आर्कटिक और अंटार्कटिका में, मतलब ये समर के टाइम में आर्कटिक ओशंस के वहाँ रहती हैं और विंटर्स के टाइम में अंटार्कटिका में रहती हैं। तो देख रहे हैं आप ये कैसे अपने प्लेसेस को चेंज कर रहे हैं सीजन्स के अकॉर्डिंग और यू कैन से क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। सो स्टूडेंट सिमिलरली यहाँ पर देखिए कुछ स्नेक्स और लिजर्ड और उसके साथ साथ आर्कटिक स्क्विरल जो हैं और फ्रॉग भी, ये जो कोल्ड विंटर्स मतलब ठंडी जगहों पे सर्वाइव नहीं कर पाते, ये क्या करते हैं समर के टाइम पे बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और उसके बाद जब विंटर आती है तो ये अपने केव्स यानी अपनी गुफाओं में या अंडरग्राउंड ज़मीन के नीचे गड्ढों में जाकर सो जाते हैं और इस प्रोसेस को इनको बोलते हैं हाइबरनेशन। मतलब हाइबरनेशन वो टाइम होता है यू कैन से विंटर का वो टाइम जब कुछ एनिमल्स और कुछ बर्ड्स अपने आप को विंटर्स से बचाने के लिए कुछ समय के लिए गायब हो जाते हैं, मतलब वो सो जाते हैं कहीं केव में या कहीं ज़मीन के नीचे जाके, ठीक है। सिमिलरली कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जैसे कि क्रोकोडाइल और लंग फिश, जो गर्मी हो यानी एक्सट्रीम हीट, ज़्यादा गर्मी से बचने के लिए उस टाइम पे क्या करते हैं लंबे टाइम के लिए सो जाते हैं अपने अपने यू कैन से जहाँ वो रहते हैं वहाँ जाकर, इसको बोलते हैं एस्टिवेशन। इसके साथ साथ अभी मैंने जो आपको बताया था कुछ एनिमल्स होते हैं जो ग्रुप में रहते हैं यू कैन से कम्युनिटीज़ में रहते हैं ताकि दूसरे एनिमल्स उन पर हमला ना कर सके, जिसमें एक है एलिफेंट। एलिफेंट जो है वो हमेशा ग्रुप्स में रहते हैं और वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं फूड सर्च करने में भी और एक दूसरे के बेबीज़ यंग वंस जो होते हैं उनको बचाने में भी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद ये इतने सारे जो एनिमल्स हैं हमारी अर्थ पे, इनकी जो ये रहते गए फॉरेस्ट में, अब फॉरेस्ट का क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे हम फॉरेस्ट को कट करते जा रहे हैं, इसकी वजह से इनकी जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजर में आ गई है, ठीक है स्टूडेंट्स। ड्यू टू दिस फॉरेस्ट कट एंड हमारी जो ये पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, इसकी वजह से इन एनिमल्स पे बहुत ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है इनकी ज़िंदगी पे। तो इसमें से जो बहुत सारे एनिमल्स हैं वो धीरे धीरे डिसअपीयर होते जा रहे हैं यानी गायब होते जा रहे हैं, और ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं एक्सटिंक्ट एनिमल्स, जिसे हिंदी में कहा जाता है विलुप्त। ये एनिमल्स जो हैं धीरे धीरे इनकी प्रजातियाँ गायब होती जा रही हैं, जिसमें से है एग्जाम्पल पैसेंजर पिजन, डोडो और पिंटा आइलैंड टॉर्टाइज, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो इस टाइम पे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इसके साथ साथ और कुछ एनिमल्स भी हैं जिनकी लाइफ डेंजर में आ चुकी है, मतलब जो खतरे में हैं, जैसे कि टाइगर, जायंट पांडा एंड स्नो लेपर्ड।
इनकी लाइफ डेंजर में है क्योंकि लोग इनका क्या करते हैं, पैसों के लिए, उनकी स्किन को बेचने के लिए उनका शिकार करते हैं। इसलिए ऐसे एनिमल्स को एंडेंजर्ड एनिमल्स भी कहा जाता है, जिसमें आपके जाइंट पांडा है, स्नो लेपर्ड है, एशियन एलिफेंट है, टाइगर्स है, ये सारे एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं। पॉपुलेशन ऑफ टाइगर जो यू नो, हमारे जो टाइगर्स हैं, आपने इंग्लिश के चैप्टर में ही पढ़ा था, 100 ईयर्स अगो टाइगर्स की कंडीशन ऐसी नहीं थी, यहाँ पर 50% टाइगर थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ठीक है, सिमिलरली जाइंट पांडा जो है वो ना बैम्बू शूट्स खाता है, यानी बैम्बूज की जो शाखाएं होती है ना, वो उसी को खाता है। तो जैसे जैसे फॉरेस्ट कट होते जा रहे हैं, उसका फूड उसको मिलना बहुत ही इम्पॉसिबल होता जा रहा है। ठीक है, तो हमें हम देखिए, हम प्लांट्स ग्रो तो कर नहीं रहे, बल्कि जो लगे हुए प्लांट्स हैं हम उनको भी कट करते जा रहे हैं, कभी हमारे बिल्डिंग्स, ब्रिज, डैम्स, ये सब बनाने के लिए। इसी वजह से हमारी इन एक्टिविटीज़ की वजह से एनिमल्स की लाइफ और साथ ही साथ उनके होम्स जहाँ वो रहते हैं वो सब डेंजर में आ चुकी है। क्योंकि देखिए, जब भी हम एक फॉरेस्ट को कट करते हैं तो उसके साथ वहाँ रहने वाले बर्ड्स, एनिमल्स और जो भी अदर स्पीशीज़ होते हैं, वो सब का घर उनसे छिन जाता है। तो इसीलिए हमें क्या करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करने की ज़रूरत है, और इसके साथ साथ डिफरेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स शुड ऑल्सो बी ओपन टू प्रोवाइड सेफ हैबिटेट टू एनिमल्स, और इन एनिमल्स को सेफ हैबिटेट यानी उनको सही से सेफ घर प्रदान करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम इनके लिए अलग अलग वाइल्ड सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स भी ओपन करें। और दूसरी चीज़, आपने देखा होगा न्यूज़ में भी कई बार आता है, एनिमल हंटिंग जो है यानी जानवरों का शिकार करना और उनकी स्किन को बेचना, ये जो है एक बहुत ही क्रिमिनल ऑफेंस है। मतलब इसके लिए आपको पनिशमेंट भी मिलती है और ये कानूनन जुर्म है। सो वी शुडेंट डू दिस। थैंक यू स्टूडेंट, दिस इज़ द एंड और यू कैन से लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। होप यू लाइक दिस वीडियो।